25 से 30,000 कर सकते हैं कि सब्सक्राइबर हमारे शोरूम में आते हैं बाइक लेने के लिए, ठीक है, तो उनके लिए भी हम लोग गिफ्ट प्रोवाइड करते हैं। डायरेक्ट सवाल है आप लोगों के लिए, अगर अपन लोग आते हैं यमा एम टी 15 वर्जन 2.0 यति ऑटोमोबाइल पटना शोरूम में, यमा शोरूम में ईएमआई पे परचेज करने के लिए, तो रेशमा जी ये बताइए कि सबसे कम डाउन पेमेंट दे करके हम ये मोटरसाइकिल कितने पे लेके जा सकते हैं, क्योंकि अपन की अपनी जो पब्लिक है ना वो खोजती है मिनिमम डाउन पेमेंट, तो सबसे मिनिमम से मिनिमम डाउन पेमेंट कितना दे करके ये बाइक वो ले जा सकते हैं? सबसे कम मिनिमम डाउन पेमेंट 25 से 30,000 कर सकते हैं, ठीक है, उसका इनकम प्रूफ लगता है। अगर आप इनकम प्रूफ आपका ज़्यादा है, मतलब अगर इनकम प्रूफ अच्छा रहता है आपका, ठीक है, जैसे महीने का टर्नओवर, बैंक का ट्रांजेक्शन अच्छा रहता है, उस कंडीशन में ना आपका 20-25 हज़ार में भी गाड़ी निकल सकती है, ठीक है, 20 से 25 हज़ार में आप दे सकते हो, ये मिनिमम डाउन पेमेंट हो गया। तो रेशमा जी ये बता दो, अभी आपने 20 से 25 हज़ार मिनिमम डाउन पेमेंट एम टी 15 वर्जन 2.0 के लिए बता दिया, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है क्योंकि अपनी पब्लिक मांगती है कम से कम डाउन पेमेंट, तो इन ये सुनकर के उन लोगों को राहत मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि पर मंथ का ईएमआई कितना होगा? पर मंथ का ईएमआई उस पर डिपेंड करता है ना कि आप कितने मंथ के लिए ईएमआई लेते हैं, मिनिमम 1.5 साल होता है, 1 साल होता है और ना मैक्सिमम 3 साल होता है, उस पर डिपेंड करता है कि आपका क्या ईएमआई आता है। ईएमआई तो एक अप्रोक्सीमेटली एवरेज होता होगा ना कि हम इतना ईएमआई पर मंथ काटते हैं? 65,000 से 7,000 के बीच में आ सकता है आपका पर मंथ का ईएमआई, जब इतना 20 से 25 हज़ार डाउन पेमेंट करते हैं। अगर 20 से 25 हज़ार कोई बंदा डाउन पेमेंट करता है तो 6,500 से लेकर 7,000 पर मंथ कटेगा, और मान लीजिए कोई बंदा आता कि चलिए मेरे को 65,000 डाउन पेमेंट कर देना, 70 कर देना, 80 कर देना, तो उस हिसाब में ईएमआई कितना है? उस हिसाब में ना आप अगर मंथ के लिए लेते हैं, ठीक है, अगर आप 1.5 साल के लिए लेते हैं तो उसमें आपका 4,000 का ईएमआई आएगा, अगर आप 3 साल के लिए लेते हैं तो आपका 2.5 से 3,000 के आसपास में ईएमआई आएगा। चलिए, तो मिनिमम डाउन पेमेंट के साथ कितना ईएमआई आएगा ये रेशमा जी ने बता दिया, 70 से 80 हज़ार 65 हज़ार आप डाउन पेमेंट करते हो बढ़ के, कंपनी अगर एवरेज बताती है डाउन पेमेंट उससे ज़्यादा बढ़ के आप डाउन पेमेंट देते हो ये शोरूम में आकर के, तो उस फेज़ में उस कंडीशन में आपको कितना कम से कम ईएमआई पर मंथ लगेगा अभी रेशमा जी ने बता दिया। तो ये दो क्वेश्चन थे मैंने बता आपको रेशमा जी से पूछ करके आप लोगों को क्लियर कर दिया। वाला इंटरेस्ट हमारा 7.99 से स्टार्ट होता है और 10% तक जाता है, ठीक है जी जी, ये इनकम प्रूफ पे डिपेंड करता है, जितना आप डाउन पेमेंट करते हैं उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। चलिए, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी रेशमा जी ने बता दिया कि आपके प्रोफाइल, आपका जो जॉब प्रोफाइल है, आपका जो कंप्लीट डॉक्यूमेंट देखने के बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे शोरूम में आपको फाइनलाइज करके बताया जाएगा। अब रेशमा जी से मैं ये पूछ लेता हूँ कि रेशमा जी ये बता दो कि डॉक्यूमेंट में अपन लोग को क्या क्या लाना है? डॉक्यूमेंट्स में आपका आधार रहेगा, ठीक है, पैन कार्ड रहता है, पासबुक रहता है और एटीएम चेक रहता है जी जी, और एक फोटो लगता है। चलिए, ठीक है, अगर आप यहाँ रेंट पे रहते हो, ठीक है, आपका अपना यहाँ पे घर नहीं है तो आप रेंट एग्रीमेंट भी लाते हैं तो फिर फाइनेंस का प्रोसेस हो जाता है। चलिए, अगर चेक नहीं है, ऑप्शनल रहती है हमारे पास चेक या एटीएम, अगर एटीएम से नहीं होता तो हम चेक से अप्लाई करते हैं, चेक से नहीं होता तो फिर एटीएम से अप्लाई करते हैं। चलिए, स्टूडेंट है, ठीक है, तो स्टूडेंट के लिए है कि उनका इनकम प्रूफ कोई है नहीं तो इस वजह से वो अपने पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट्स पे ले सकते हैं, उनके पेरेंट्स गारंटर बनते हैं और उनके नाम पे गाड़ी होना चाहिए, पर एज उनका ना 19 या 20 होना चाहिए क्योंकि ना फाइनेंस के लिए 21 एज होता है जी, मतलब कि मिनिमम 21 साल होना चाहिए। जी हाँ, तो वो जो भी होगा कॉप्लिकेंट के थ्रू होगा ना, हाँ, उनके गार्जियन कॉप्लिकेंट लगेंगे ना, हाँ, तो ये तो टीनेजर्स के लिए मैंने पूछ के बता दिया रेशमा जी से। तो अगर आप बाइक को ले रहे हो लोन पे, अगर आपका लोन 1 महीने का देने से आप रह गए, किसी कारणवश आपने नहीं दिया, ठीक है, तो उसका जो पेनल्टी चार्ज होता है ये मैं पूछ लेता हूँ रेशमा जी, ये बता दो पेनल्टी चार्ज क्या लोगे? आपका 400 से 500 का चार्ज लग सकता है अगर आपका पर मंथ का ईएमआई अगर आपका बाउंस हो जाता है, और इसके अकॉर्डिंग ना सिविल भी खराब होता है, तो इसलिए ट्राई करें कि बाउंस ना करें। चलिए, सिविल पे इफेक्ट होता है। चलिए, रेशमा जी ने सारे चीज़ अभी क्लियर करके बता दिया। सबसे पहले थैंक यू सो मच, आपने सारा इन्फॉर्मेशन एम टी 15 वर्जन 2.0 लोन प्रोसेस रिलेटेड आप ही बता दिया शॉर्ट करके, डिटेल वाइज कुछ छूट गया तो डिस्क्रिप्शन में नंबर डिटेल सारा दिया हुआ है, कॉल करके आप फर्दर डिटेल ले सकते हैं। तो ये कंप्लीट अपन लोग पूछ लिए रेशमा जी से। एक लास्ट सवाल रेशमा जी ये बता दो, अगर कोई डिफेंस से आता है या फिर हमारे डॉक्टर्स आते हैं या फिर पुलिस ऑफिसर्स आते हैं लेने के लिए बाइक एम टी 15 अगर वो लेने आए या फिर R15 लेने आए, तो उनके लिए क्या ऑफर आप लोग प्रोवाइड करते हैं ये बता दो? सबसे कम रेट ये ROI पे होता है, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट उनका सबसे कम लगता है इनकम देखने के बाद। जी जी, ठीक है,
और अगर उनका सैलरी अकाउंट है तो काफ़ी अच्छा है, इसमें उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम लगता है और कम डाउन पेमेंट पे भी गाड़ी निकल सकती है उनकी। एक सवाल और बता दो, अगर यहाँ पे कोई मेरे सब्सक्राइबर आते हैं, पटना बाइक्स के सब्सक्राइबर आते हैं, MT15 वर्जन 2 की बात नहीं कर रहा हूँ, R15 हो, FZ हो या फिर कोई स्कूटर हो, ठीक है, तो आप लोग मेरे सब्सक्राइबर को क्या गिफ्ट दोगे वो बता दो। देखिए, अगर आपके सब्सक्राइबर हमारे शोरूम में आते हैं बाइक लेने के लिए, ठीक है, तो उनके लिए भी हम लोग गिफ्ट प्रोवाइड करते हैं 100%, पर उसके लिए हमारे शोरूम उनको विजिट करना होगा, बाइक्स परचेज करनी होगी इस वक्त। तो ये हिडन है, ऑन कैमरा नहीं बताओगे? जी नहीं सर। चलिए ठीक है, तो आप मेरे सब्सक्राइबर हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना और यहाँ पे मोबाइल दिखा देना, चाहे अभिषेक भैया हो या फिर ये रेशमा जी हो, किन्हीं को भी आप दिखा देना, तो बाकी आपको गिफ्ट वगैरह प्रोवाइड हो जाने वाला है। बात तो वीडियो कैसी लगी, सारा प्रोसेस मैंने लोन से रिलेटेड MT15 वर्जन 2.0 का डिटेल मैंने आप पूछ के बता दिया, कुछ छूट गया तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप कॉल करके बेझिझक जानकारी ले सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी मुलाकात होगी आप लोग से, तब तक ले दीजिए इस बाइक को ज़्यादा, लिव फ्री, राइड आर्ट एंड हैव अ सेफ राइड। पीस आउट।